नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भाजपा मंडल की बूथ विस्तारक योजना की बैठक भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र पटेल के नेतृत्व में दर्जी धर्मशाला में आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला महामंत्री राजेश यादव, जिला उपाध्यक्ष गौतम सिंह राजपूत और विशेष अतिथि मंडल प्रभारी अजय सिंह तोमर, जिला मंत्री अनूप सिंधव, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष उमेश श्रीवास्तव, एडवोकेट श्याम सिंह गालोदिया थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गौतम सिंह राजपूत ने कहा कि कार्यकर्ताओं को जो जवाबदारी सौंपी जा रही है, उस कार्यकर्ता को अपने क्षेत्र में अपने बूथ पर कार्य करना है और मेरा बूथ सबसे मजबूत के संकल्प के साथ कार्य करना है और उसकी समीक्षा करना है कि हमारा प्रत्याशी हमारे क्षेत्र से अगर जीतता है तो क्या कारण है और हारा है तो क्या कारण है, हमें उस पर फोकस करना होगा और मतदाताओं के बीच में भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी से अवगत करवाना होगा। जिला महामंत्री राजेश यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं को पूरी विधानसभा की जगह केवल अपने बूथ पर ही ध्यान आकर्षित करना है और लोगों को जानकारी देना है कि उन्हें सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास उज्ज्वला योजना और अन्य योजनाएं जो सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही हैं उससे अवगत करवाना है। पूर्व विधायक राजेंद्र वर्मा ने कहा कि अगर कार्यकर्ता चाहे तो चाहे सरपंच का चुनाव हो, नगर परिषद का चुनाव हो या विधानसभा हो या लोकसभा हो, कार्यकर्ता ही अपनी मेहनत से जीत का सहरा बंधवाता है। कार्यकर्ता चाहे तो आग में बाग लगा सकता है। इस अवसर पर पूर्व मंडल अध्यक्ष सिद्धनाथ केलोदिया, महामंत्री जितेंद्र मंडोई, राकेश सिंदल, भगवान सिंह पटेल, दुर्गेश सिंह खींची, दिलीप सिंह दोता, लाल सिंह पवार, मुख्तियार पटेल, सचिन सेंधव, दीपेश नागर, बालकृष्ण गहलोत, राज बहादुर सिंह कुशवाहा, सनी जैन, गणेश पटेल, लाल सिंह यादव सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन मंडल अध्यक्ष राजेंद्र पटेल ने किया और आभार रघुनाथ सिंह। आपने बैठक आयोजित की, इसका क्या लक्ष्य और क्या संदेश है पार्टी का आपके? भारतीय जनता पार्टी की आज जो मुख्य विस्तारक योजना को देखा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर जाएंगे और बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। सर, इसमें आप बूथ स्तर पे क्या आपने योजना बनाई है कार्यकर्ताओं को लेकर? पार्टी का जनाधार हर बूथ पे बढ़ेगा, उसके लिए बूथ विस्तारक काम करेंगे। इन योजनाओं को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच उपस्थित हुए और क्या संदेश है आपका? इसके माध्यम से जो राष्ट्र विरोधी ताकतें राष्ट्र करने के लिए भारत में सक्रिय हो रही है, उनको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन की विचारधारा को मजबूत और राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने के लिए हम बूथों पर बूथ स्तरीय करने के कार्यकर्ता के लिए कार्य करना है। हमारा बूथ सबसे मजबूत, इस विचारधारा के साथ यदि हम काम करेंगे तो हमारी बनने वाली सरकारें विचारधारा के साथ कार्य करेंगे और राष्ट्र को नव निरंतर प्रगति के पथ पर सुदृढ़ और सशक्त बनाएंगे। इन भावनाओं के साथ हम इस कार्यकर्ता को हमने जमा पहनाने के लिए करेंगे। यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की, आपका क्या संदेश है और क्या किस विजन को लेकर आपने ये पार्टी की आयोजित की बैठक? भारतीय जनता पार्टी के सदैव कुशाभ ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष है। जन्म शताब्दी वर्ष को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का संगठन पर्व के रूप में मना रहा है। इस संगठन पर्व के अंतर्गत हम भारतीय जनता पार्टी को बूथ तक मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने बूथ विस्तारक योजना के माध्यम से शुरू किया है। आज उसी विषय को लेकर यहाँ टोकपुर में नगर मंडल की बैठक हमने रखी थी। आज देवास जिले के 200 मंडलों की बैठक अलग अलग स्थान पर हुई है। यहाँ भी हमने बैठक में जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन ने बूथ विस्तारक योजना पूरे प्रदेश भर में लागू की है उसके बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ के कार्यकर्ताओं को दी।